एस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पुल और सड़कों के जाल से ही गतिशील विकास, 18 लाख के प्रतिबंधित कपास बीज जब्त, सर्पदन से युवा किसान की मौत। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुल और सड़कों के जाल से ही गतिशील विकास। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि विदर्भ में पुल और सड़कों का जाल बिछाकर विकास को गति देने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग की ओर से विदर्भ में शुरू किए गए 9 में से 5 काम पूर्ण हो गए हैं। श्री गडकरी ने आज हिंगन घाट में नंदगांव चौक पर 58 करोड़ 28 लाख रुपयों की लागत से बने उड़ान पुल का लोकार्पण और शेडगांव चौक पर प्रस्तावित उड़ान पुल का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद रामदास ताड़स, विधायक दादाराव केचे, विधायक समीर कुनावार, विधायक रामदास आंबटकर, जिला परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, नगर अध्यक्ष प्रेमा बसंती, जिला अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतर उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना नगर अध्यक्ष में बसंतानी ने रखी, संचालन रेणुका देशकर ने किया। वहीं दूसरी ओर 18 लाख के प्रतिबंधित कपास बीज जब्त। बुधवार की रात ग्रामीण पुलिस को गश्त के दौरान कलम्बा से आ रहा एक यात्री वाहन दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी को देखकर चालक ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने संदेह होने पर उसका पीछा किया। वटबोरी में वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 18,13,000 रुपए की कीमत के 8 क्विंटल प्रतिबंधित कपास बीज पाए गए। रविंद्र बाधाटे वाहन से बीज लेकर जा रहा था। उसने बताया कि यह बीज उसने धामन गांव के समीप देवगांव फाटा से लिए। पुलिस की सतर्कता से वह पकड़ा गया। वटबोरी में गत 6 माह से यह व्यवसाय चल रहा था। चर्चा है कि इसमें राजनीतिक लोगों का समर्थन होने से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं तीसरी ओर सर्पदंश से युवा किसान की मौत। गाय खरीदने गए युवा किसान को वापस अपने गांव लौटते समय जहरीले सांप ने डस लिया। घटना पावनी थाना क्षेत्र ग्राम मांगली की है। नागपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक कैलाश चंदन भावने निवासी चन्नेवाड़ा के हैं। कैलाश 6 जून को गाय का सौदा करने मांगली गया था। वापस लौटते समय मांगली के तालाब के पास सांप ने उसके पैर में डस लिया। उसे ब्रह्मापुरी के अस्पताल से नागपुर रेफर किया गया, जहां 3 दिन बाद 9 जून को शाम 4 बजे उसकी मौत हो गई। इस संबंध में राजू बावनी की शिकायत इमामवाड़ा थाने से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर पावनी पुलिस ने 16 जून को मामला दर्ज किया। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।